हिमाचल की बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जिस तरह महाराष्ट्र सरकार और पीएमसी ने कार्रवाई की है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी ने कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी द्वारा कंगना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी के अध्यक्ष कपूरचंद ठाकुर ने कंगना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि शिवसेना द्वारा कंगना के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है और एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, वे कड़ा निंदनीय है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही अदावत के बीच में कंगना रनौत का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी के सदस्य और आम लोगों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। कपूरचंद ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी का अध्यक्ष, आज पार्टी हाईकमान की तरफ से हमें जो प्रोग्राम मिला है, हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। कंगना रनौत हमारी भारत की बेटी है, हिमाचल की बेटी है। हम उनके समर्थन में आज ओबीसी मोर्चा मंडी जिला के हस्ताक्षर अभियान लोगों से करवा रहे हैं। हम उनके समर्थन में हैं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई है। ये महाराष्ट्र सरकार की कितनी नालायकी है, उनकी कितनी सूझबूझ है कि एक महिला के साथ कितनी अभद्र भाषा और उनके मकान को बुरी तरह तहस नहस करके तोड़ देना बहुत ही शर्मसार बात है। हम आज अपने मंडी जिला भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से हस्ताक्षर अभियान करके राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में या भारत में दोबारा कहीं ना हो। जय हिंद, जय हिमाचल।